अंकल आपने ये जो पाव भाजी चालू किया आपने पाव भाजी वो कभी आपने चालू किया? 83 में चालू किया। अच्छा 1983 में चालू किया। अच्छा मतलब लगभग आपको पकड़ो ना 40 साल के आसपास हो गया। Hey guys, welcome to my channel, Trending Cubers, और आज मैं आऊँ कि शंकर पाव भाजी जो कि वसई की काफ़ी फेमस पाव भाजी है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूछ के कि प्रॉब्लम कितने टाइम से वसई में है और इनके जो इंग्रेडिएंट्स है स्पेशली पाव भाजी में एक कैसा आपको टेस्ट आता है पाव भाजी का। सो चलो लेट्स कम आपको टेस्ट करता हूँ। सही गरम है, जो टेस्ट आ रहा है ना लाजवाब। जो टेस्ट मेरे को चाहिए रहता ना वो टेस्ट मेरे को आज भाजी में मिल रहा है। एंड सीरियसली गाइस, शंकर जी का जो पाव भाजी है रियली अमेजिंग। मतलब मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। जो आप घर पे पाव भाजी खाते हो और बाहर खाते हो पूरा अलग ही है। और ये पाव भाजी आप देख सकते हो कि शंकर जी ने इतना बटर डाला ना, तो उसका जो टेस्ट आ रहा है ना बहुत सही टेस्ट आ रहा है। तो मैं वही तुमको बताना चाह रहा हूँ कि तुम भी कभी आओगे ना तो आ जाना शंकर जी के पास, उनका एक पाव भाजी खाना। और ये जो पाव भाजी है धुआं दिख रहा है, लुक एट द बटर गाइस, एक्सीलेंट। लेट्स हैव अ टेस्ट। बहुत ही बटरी है पुलाव, वेजीज का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ रहा है। काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है अंकल का। आई मस्ट से आप एक बार ज़रूर आइए शंकर पाव भाजी में और पाव भाजी के साथ अपना ये भी टेस्ट कीजिए। आपके टोटल वसई में कितने स्टॉल है? पे जो चालू किया पाव भाजी बराबर 3 रुपए प्लेट पाव भाजी का, 30 रुपए में पाव भाजी चालू किया, वो भी बटर में 3 रुपए में बटर का पाव भाजी। बेटा आप देख सकते हो कि जनरेशन कितना आगे बढ़ रहा है। उस टाइम 40 साल पहले 3 रुपए में था और आज ही तुम देखो कि जनरेशन कितना फास्ट फ्लक्चुएट हो रहा है। और आज का प्राइस भी आप देख सकते हो कि काफी कॉस्टिंग, लेकिन जो आपको टेस्ट कंसिस्टेंसी मिल रहा है शंकर पाव भाजी का जो पहले से मिल रहा था वो सेम टेस्ट आज भी आपको मिल रहा है। मतलब 40 साल से आपका गढ़ वसई का वसई, मतलब सबसे पहला बोला जाएगा तो वसई में शंकर पाव भाजी एकदम पायोनियर था। काफी दबार आपका पाव भाजी खाया, लेकिन आपका पाव भाजी में जो टेस्ट आता ना हम लोग को कई जगह से मिलता नहीं है, लेकिन आपका पाव भाजी में जो टेस्ट है ना वो माइंड ब्लोइंग टेस्ट है। हम प्योर वफर का अमूल बटर, अच्छा प्योर अमूल बटर अपन खुद अपने हाथ से मसाला बनाते हैं। अरे आपको मुच्छी का रास क्या है सर?
तभी से मुझे जाना चालू किया, जब से मैं इतना कुछ करना। अच्छा तो ये मतलब हम लोग के जो आहिर में रहते ना ऐसा मुच्छी ताव देने वाले, तो ये हमारे आहिर लोग के जैसा ये सबने ताव दिया हुआ है।